हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉ में डीजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू की। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको आंसर करने हैं कमेंट बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। ये अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कीजिए और आप लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। आपको तैयारी हो जाएगी और आपको जो जानना है वो आप उनसे पूछ सकते हैं। नंबर वन क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार अंतरण नहीं है? क्वेश्चन हिंदी में लिखा है, मैं आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इनमें से कौन सा टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफर नहीं माना जाए, नहीं कहला जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रांसफर इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? नंबर वन ऑप्शन इज दान, सेकेंड इज विक्रय, थर्ड इज विनिमय और फोर्थ है किसी संपत्ति के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसका आंसर कीजिएगा, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। उसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, आईपीसी से ए और सी की हत्या करने के लिए बी को उकसाता है, इंस्टिगेट करता है, ठीक है। बी वैसा करने को इनकार करता है, बी रिफ्यूजेस टू एक्ट इन सच अ मैनर। हियर ए विल बी लाइबल फॉर, ए किस, यहाँ पे ए दोषी है नंबर वन केवल बी को दुष्प्रेरित करने का, हत्या करने के लिए बी को दुष्प्रेरित करने का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपके ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विचार का अधिकार किसके पास उपलब्ध है? केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय के पास, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों के पास या सभी न्यायालयों के पास, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू का जो ऑप्शन है वो कौन सी कोर्ट के पास अवेलेबल है? ओनली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट या ऑल द कोर्ट्स? तो इसका आंसर आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ, कब ये इन्फोर्स हुआ? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, 26 जुलाई 1947 से 18 जुलाई 1947, 14 अगस्त 1947, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा एंड आप इसका भरपूर लाभ उठाइए। एंड अगर कुछ भी डाउट है तो आपसे पूछ सकते हैं और जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।